इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्नैपचैट पर होते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा होता है, तो हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए। देखिए, दो तरीके के पासवर्ड होते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये तो हमारा चेंज करने का पासवर्ड होता है, तो इसी के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो नॉट वैलिडेट बता रहा है, तो इसे वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर टू सेट ए न्यू पासवर्ड प्लीज़ एंटर योर करंट पासवर्ड फर्स्ट। तो ना यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड है, ना ही यहाँ पर कोई जैसे कि सिंबलिक पासवर्ड होता है, जैसे कि पैट वगैरह, नेम वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर जो अपना करंट पासवर्ड है जिससे कि आप लॉगिन हैं वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे किसी ने भी बंदे ने चेंज किया हो, नहीं किया हो, तो चेंज कर रखा है, जो पासवर्ड अभी का है वो यहाँ पर डालना है। अगर आपको नहीं पता तो ये वैलिडेट होता रहेगा यहाँ पर, अगर आपको पता है आप डालेंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है फॉरगेट योर पासवर्ड, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपका फ़ोन नंबर लगा हुआ होगा या आपका ईमेल लगा हुआ होगा, कुछ तो लगा हुआ होगा, उस पर टिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर फ़ोन नंबर आपका लगा हुआ है तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। जब आप इसे वेरीफाई करेंगे आपके पास कोड आएगा, चाहे व्हाट्सएप पर आए चाहे मैनुअली आए, तो वो कोड आप यहाँ पर डालकर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यही इसका मैटर रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।